ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। 11/9/2024 आज की साकार वाणी है महावाक्य मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर सुधारने, तुम्हें अभी दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। प्रश्न, तुम बच्चों की आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर है, क्योंकि नज़र से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं, आंखें बंद होगी तो सुस्ती आएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो, यह सोर्स ऑफ इनकम है, लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। कमाई में सुस्ती उदासी नहीं आ सकती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परमधाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखाते हैं, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी बताया है, बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे तुम पवित्र बन अपने पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। कितनी सहज समझानी है। अपने को आत्मा समझो और अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो है वह भस्म होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह भारत का प्राचीन राजयोग है, जो बाप ही हर 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहर का बाप ही भारत में इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप पति पावन है और सर्वशक्तिवान है। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमोप्रधान बन गई है, जो सतो प्रधान थी अब उनको फिर से सतो प्रधान कैसे बनाएं, जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको व शांतिधाम घर में जा सको। बच्चों को यह बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाप बच्चों को यह डोज देते हैं। यह याद की यात्रा बैठे बैठे चलते फिरते तुम कर सकते हो। जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप को भी याद करना है और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के तो असुरी कैरेक्टर्स है। तुम बच्चे यहाँ आए हो दैवी कैरेक्टर्स बनाने। इन लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बड़े मीठे थे, भक्ति मार्ग में उनकी महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुमने समझा है और रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह भी अब समझा है। तुम बच्चों को यह सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है, जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अभी तुमने समझा है और रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह भी अब समझा है। यह भी जानते हो यह कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है, यह है रूहानी बाप जो हमको पढ़ाने आया है। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में है। लौकिक बाप तो सबके यहाँ है, यह बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना है। हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है, जो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाप खुद समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा नाम एक शिव है। भल अनेक नाम अनेक मंदिर बनाए हैं, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री।
यथार्थ नाम मेरा एक ही शिव है। तुम बच्चों की आत्मा को ही कहते हैं, शालिग्राम कहे तो भी हर्जा नहीं। अनेकानेक शालिग्राम है, शिव एक ही है। वह है बेहद का बाप, बाकी सब है बच्चे। इसके पहले तुम हद के बच्चे हद के बाप के पास रहते थे। ज्ञान तो था नहीं, बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते थे। आधा कल्प भक्ति की है, द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होती है। रावण राज्य भी शुरू हुआ है। यह है बहुत सहज बात, परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते हैं। रावण राज्य कब से शुरू होता है यह भी कोई नहीं जानता। तुम मीठे बच्चे जानते हो, बाप की ज्ञान का सागर है, जो उनके पास से वह आकर बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के। अभी तुम समझ गए हो, ज्ञान भक्ति और फिर है वैराग्य, यह तीन मुख्य है। सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु सन्यासियों का है अपना हद का वैराग्य, वह बेहद का वैराग्य सिखला न सके। दो प्रकार के वैराग्य है, एक है हद का, दूसरा है बेहद का। वह है हठयोगी सन्यासियों का वैराग्य, यह है बेहद का। तुम्हारा है राजयोग, वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं तो उनका नाम ही पड़ जाता है सन्यासी। हठयोगी घर बार छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए, यह भी अच्छा है। बाप कहते भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड और कोई होता नहीं। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है, जो भारतवासी खुद नहीं जानते हैं। बाप को भूलने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं, अर्थात नास्तिक निधन के बन पड़ते हैं। सतयुग में कितनी सुख शांति थी, अभी कितनी दुख शांति है। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहाँ हम आत्माएं रहती है। आत्माएं अपने घर में यहाँ आती है बेहद का पार्ट बजाने। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया में ले चलने के लिए। बाप आकर उत्तम से उत्तम बनाते हैं, ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है, परंतु वह कौन है, किसको कहा जाता है, यह कुछ भी समझते नहीं है। एक बड़ा लंगर रख दिया है, समझते हैं यह निराकार परमात्मा है। हम आत्माओं का वह बाप है यह भी नहीं समझते, सिर्फ पूजा करते हैं। हमेशा शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा व बबूलनाथ बाबा नहीं कहेंगे। तुम लिखते भी वो शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, यह स्लोगन्स घर घर में लगाने चाहिए। शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन एक ही बाप है। इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन हो न सके, पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। शास्त्रों में तो सब जगह पतित लिख दिए हैं। त्रेता में भी कहते रावण था, सीता चुराई गई। श्री कृष्ण के साथ कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि दिखाए हैं। श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिए। अब सतयुग में यह सब हो नहीं सकते, कितने झूठे कलंक लगाए हैं। बाप पर भी कलंक लगाए हैं। अब सतयुग में यह सब हो नहीं सकता, कितने झूठे कलंक लगाए हैं। बाप पर भी कलंक लगाए हैं तो देवताओं पर भी कलंक लगाए हैं। सब की लाना करते रहते हैं तो अब बाप कहते हैं, यह याद की यात्रा ही आत्मा को पवित्र बनाएगी। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। बाप 84 का चक्र भी समझाते हैं। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, फिर घर जाना है। घर में शरीर तो नहीं जाएगा, सब आत्माएं जानी है।
इसलिए मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह नहीं समझो। और सत्संगों में तो तुम देह अभिमानी हो बैठते हो। यहाँ बाप कहते हैं, देही अभिमानी होकर बैठो। जैसे मेरे घर में यह संस्कार है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। देह के बाप और हद के बाप का कॉन्ट्रास्ट भी बतलाते हैं। देह का बाप बैठ तुमको सारा ज्ञान समझाते हैं, आगे नहीं जानते थे। अभी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उनका आदि मध्य और अंत और चक्र की आयु कितनी है, सब बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष सुनाकर घोर अंधियारे में डाल दिया है, नीचे ही उतरते आए हैं। कहते भी है ना, जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को नीचे खींचेंगे, बाप आकर हमको पावन बनाएंगे। बाप को खींचते हैं क्योंकि पति तय है, बड़े दुखी बन जाते हैं। फिर कहते हैं हम बाप को बुलाते हैं, बाप भी देखते हैं बिल्कुल दुखी तमो प्रधान बन गए हैं। 5000 वर्ष पूरे हुए तब फिर आते हैं। यह पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है, तुम्हारी आत्मा धारण कर साथ ले जाएगी। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम भी ज्ञान की नदियाँ हो। यह नॉलेज कोई इस दुनिया के लिए नहीं है, यह छीछी दुनिया है, छीछी शरीर है, इनको तो छोड़ना है। शरीर तो यहाँ पवित्र हो नहीं सकता, मैं आत्माओं का बाप हूँ, आत्माओं को ही पवित्र बनाने आया हूँ। इन बातों को मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते हैं, बिल्कुल पत्थर बुद्धि पतित है, इसलिए गाते हैं पतित पावन। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा ही सब कुछ करती है, भक्ति भी आत्मा करती है, शरीर भी आत्मा लेती है। अब बाप कहते हैं, तुम आत्माओं को ले जाने आया हूँ, मैं बेहद का बाप, तुम आत्माओं के बुलावे पर आया हूँ। तुमने कितना पुकारा है, अभी तक भी बुलाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। गॉड फादर आकर इस पुरानी दुनिया के दुखों से, डेविल से लिबरेट करो, तो हम सब घर में चले जावे। और तो कोई को पता ही नहीं है हमारा घर कहाँ है, घर में कैसे कब जाएंगे। मुक्ति में जाने के लिए कितना माता मारते हैं, कितने गुरु करते हैं, जन्म जन्मांतर माता मारते चले आए हैं। वे गुरु लोग जीवन मुक्ति के सुख को तो जानते ही नहीं, वे चाहते हैं मुक्ति। कहते भी है विश्व में शांति कैसे हो, सन्यासी भी मुक्ति को जानते हैं, जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं। परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप ही देते हैं। तुम जब जीवन मुक्ति में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो यह बनने के लिए, तुमने ही सबसे जास्ती सुख देखा है, फिर सबसे जास्ती दुख भी तुमने देखा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तुम ही फिर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, ये लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के है। घर बार छोड़ना यह सन्यासियों का धर्म है, सन्यासी भी पहले अच्छे थे, तुम भी पहले बहुत अच्छे थे, अभी तमो प्रधान बने हो। बाप कहते हैं यह ड्रामा का खेल है, बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। पतित शरीर पतित दुनिया में ड्रामा अनुसार हमको फिर 5000 वर्ष के बाद आना पड़ता है। न कल्प लाखों वर्षों का है, न मैं सर्वव्यापी हूँ, यह तो तुम मेरी ग्लानी करते आए हो। मैं फिर भी तुम पर कितना उपकार करता हूँ, जितनी शिव बाबा की ग्लानी की है उतना और कोई की नहीं है।
जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए तुम कहते हो सर्वव्यापी है। जब लाने की भी हद हो जाती है तब फिर मैं आकर उपकार करता हूँ। यह है पुरुषोत्तम संगम योग, कल्याणकारी योग। जबकि तुमको पवित्र बनाने आता हूँ, कितनी सहज युक्ति पावन बनाने की बतलाते हैं। तुमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए हैं, तालाब में भी जाकर स्नान करते हैं, समझते ही इससे पावन बन जाएंगे। अब कहाँ वह पानी और कहाँ पति पावन बाप, वह सब है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए है, यह तो तुम जानते हो। गाया भी जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। अभी तुम्हारे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है, पूरी नहीं है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यह है पांच विकारों की लड़ाई। पांच विकारों को रावण कहा जाता है। रावण पर गधे का शेष दिखाते हैं। बाबा ने यह भी समझाया है, स्कूल में कब आंखें बंद करके नहीं बैठना होता है, वह तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने की शिक्षा देते हैं कि आंखें बंद करके बैठो। यहाँ तो बाप कहते हैं यह स्कूल है, सुना भी है, नजर से निहार किंदा स्वामी सतगुरु, कहते हैं यह जादूगर है, अरे वह तो गायन भी है। देवताएं भी नजर से निहार होते हैं। नजर से मनुष्य को देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना। बाप बैटरी चार्ज करे और बच्चे आंख बंद कर बैठे तो क्या कहेंगे? स्कूल में आंखें बंद कर नहीं बैठते, नहीं तो सुस्ती आती है। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम, लाखों पदों की कमाई है, कमाई में कभी उबासी नहीं लेंगे। यहाँ आत्माओं को सुधारना है, यह एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। उनम की राजधानी देखने हो तो जाओ देलवाड़ा में, वह है जड़, यह है चैतन्य देलवाड़ा मंदिर। देवताएं भी है, स्वर्ग भी है, सर्व का सदगति दाता आबू में ही आते हैं। इसलिए बड़े ते बड़ा तीर्थ आबू ठेरा। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग है, सबकी सदगति बाप यहाँ आकर करते हैं। यह सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु गुप्त है, इनको कोई जानते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है, देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। दो, आत्मारूपी बैटरी को सतो प्रदान बनाने के पहले चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है, दैवी कैरेक्टर्स धारण करने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान, त्रिकालदर्शी बन, दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने को और आपको तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो, सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में आती है।
उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले एकांतदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। आज का स्लोगन संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति।